नमस्कार मित्रों, मैं रणधीर आप लोग का अपना YouTube चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड टिप्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज एक कैप्सूल लेकर के आया हूँ। इसका नाम SD है, जो 10 कैप्सूल के फॉर्म में है। इसके बारे में फुल आप लोग को रिव्यू दूंगा हिंदी में, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम इसका प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, तो प्राइस इसका आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, 89 रुपया है। 10 कैप्सूल के फॉर्म में है, 10 कैप्सूल का दाम 89 रुपया है। उसके बाद इसका यूज, दोस्तों हमको इसको यूज मतली और उल्टी, एसिडिटी, गर्ड, पेट में अल्सर, ये मेन पॉइंट है जो इसको हम लोग इसके लिए इसका यूज कर डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं इसको। उसके बाद पेट में सूजन, डायबिटीज, गैस्ट्रोपोरोसिस, जोलिंगर, एसिलन सिंड्रोम, एच पाइलोरी, ये सब चीज के लिए भी, बदहजमी, ये सब चीज के लिए भी इसका यूज किया जाता है, डॉक्टर आपको देते हैं। उसके बाद हर पेशेंट का दोस्तों पेशेंट हिस्ट्री अलग रहता है, जैसे उसको जिस बीमारी है उसके अनुसार ये डॉक्टर समझ बूझ के इस कैप्सूल को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अपने से इस कैप्सूल का यूज ना करें, डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस कैप्सूल का यूज करें। रोगी का, जैसे पेशेंट का एज भी अलग हो सकता है, तो वो सब एज और चिकित्सा इतिहास के अनुसार ही आपको डॉक्टर इसको देंगे, तो उसके अनुसार ही आप इसका यूज करें। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं कि ये किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो डोम्प्रिडोन है एक, उससे मिलकर बना होता है, और दूसरा है कि इसोम्प्राजोल। डोम्प्रिडोन और इसोम्प्राजोल दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसके इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं जो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। पहला है कि मुंह सूखना, ये सामान्य है, सामान्य साइड इफेक्ट है। हृदय में परेशानी हो सकता है, कब्ज, सिर दर्द, अनिद्रा, दस्त, पेट में गैस, मुंह के छाले, उलझन, डिप्रेशन, चक्कर आना, छाती में दर्द, अपच, और बहुत सारे साइड इफेक्ट है। दोस्तों, जनरली होता नहीं, आप लोगों को डॉक्टर समझ के इस कैप्सूल को देंगे, लेकिन अगर ऐसा जितने भी साइड इफेक्ट आपको ऐसा कुछ भी लगेगा, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, मिले तो आप लोगों को डॉक्टर ये कैप्सूल को हो सकता है चेंज करे, या फिर इसको बंद कर दे या फिर चेंज करके दूसरा दे। ये तो हो गया कि साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों। और सबसे एक टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये टिप्स क्या है कि इसका यूज ये सब चीज के लिए होता है, ठीक है, पेट को आराम के लिए होता है, लेकिन अगर आप लोग को इसमें लेने के बाद फिर भी आप लोग को आराम ना मिले, तो टिप्स हैं दोस्तों मेरे तरफ से कि आप लोग एक बार इंडोस्कोपी करवाएं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिले, आप लोग को चेक करेंगे वो, उसके बाद बोले कि सर हम लोग को अगर वो नहीं भी करना चाहे तो अपने तरफ से करवाएं, चेक करने के लिए कि आप लोग का पेट में कुछ सूजन वगैरह तो नहीं हो गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं होगा। इसलिए आप लोग को एक बार अपना इंडोस्कोपी करवाएं तो आपको क्लियर से समझ में आ सके। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, इंडोस्कोपी क्या है। इंडोस्कोपी वो है जिसमें एक पाइप रहता है, जो आपको पाइप के पॉइंट में एक कैमरा लगा रहता है, वो आपके मुंह में डॉक्टर घुसाएंगे, बेहोश उसमें करने की जरूरत पड़ता नहीं है, मुंह से घुसाते हुए आपको आमाशय, अग्नाशय, आंत तक ले जाएंगे। आंत में पूरा कैमरा से आपको पूरा दिखेगा डिटेल्स स्क्रीन में, कि अगर कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा भी रहेगा तो आप लोगों को वो क्लियरली दिख जाएगा डॉक्टर को, तो उसमें पता चल जाएगा। दोस्तों, मेन पॉइंट होता है कि कभी कभी होता है कि उसके वजह से कुछ पेट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, उसके वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है, और हम लोग दवा पे दवा खाते हैं, लेकिन हम लोग को रिलीफ नहीं मिलता है। इसलिए ये टिप्स है कि एक बार आप इंडोस्कोपी करवा ले, अगर दवा से रिलीफ ना मिले तो। उसके बाद आप लोग को जब कुछ नहीं निकलेगा तो ठीक है, और निकल गया तो उसके अनुसार आपको डॉक्टर दवा देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इस ESD कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, इसको लेने के लिए आप लोग सुबह खाली पेट इसको ले, खाली पेट ही इसको लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और एक चीज़ में, इसके कुछ कंपोजिशन है वो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि इसके इसके मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है। तो ड्रोनास्टोल है, एक्सप्रो है, इस्टॉप है,
इसोलेस्ट है, एंटेम है, एवोम है, कैंजियम है, सब ये सब कम प्राइस वाले हैं, इसी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो कम प्राइस वालों के चक्कर में ना जाए दोस्तों, ये एसडी बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है, इसी को आप लोग यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।